हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेन द सिमुलेटर। देखना आज कौन सी ट्रेन चलाने वाले हैं हम। मस्त एकदम इंडियन रेलवे WAP-5 जो सबसे पावरफुल इंजन होती है, इसको लेकर निकल चुके हैं। लाइट्स ऑन, हमारा इंजन रेडी है, हॉर्न बजाते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखना बहुत मस्त है। मैंने मुझे जो ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। मैंने एक और DLC फाइल ख़रीदी है और सारे लाइंस चेक्ड है। ये लाइंस के साथ नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे आगे में रेड है, तो मीन्स इसका मतलब यही है कि हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा रे, नहीं हो पा रहा। चलो धीरे धीरे आई थिंक पा रहा यार, डिटेल हो जाता है यार बार बार, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता। हाँ ओके, चलो चलते हैं। अभी हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है आगे, आराम से थोड़ी दूर तक जा सकती है। हमें एक प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ेगा और एक ट्रेन लगाकर हम एकदम फुल स्पीड में, आज इस ट्रेन को एकदम फुल स्पीड में और एकदम सरप्राइज वाली बॉगी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखना कौन सी बॉगीज है। WAP-5 मुझे पता चला है कि WAP-5 जो है वो गतिमान एक्सप्रेस में यूज़ होती है एक्चुअली ये वाली इंजन। और ये वाली इंजन जो है सुपर फास्ट इंजन मानी जाती है इन इंडियन रेलवे टर्म्स। और इसकी जो कैपेसिटी होती है ये बस 12 ही खाली वो बॉगीज को टान पाती है, उसकी इतनी ही कैपेसिटी है। तो चलो सब बढ़िया है, हमारी इंजन चल रही है आगे। सही जा रहे हैं हम। अभी हमें थोड़ा बैक लेना पड़ेगा और हमें एक्चुअली में एकदम से कोने वाले लाइन पे चलानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, क्योंकि आगे में ट्रेन खड़ी है, मतलब हमारी बॉगीज खड़ी है जिसे हमें कपल करना है और हमें आगे की तरफ बढ़ना है। एक्चुअली में मुझे ये जो है ना, मतलब इसकी जो लाइंस चेंजेस है सब समझ आ रही है धीरे धीरे। आई होप कि आई विल अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल्स। स्टॉप करते हैं, मल्टी ब्रेक लगाते हैं और फॉरवर्ड करते हैं सेकंड में। लाइन चेंज्ड है और हमें उसके आगे वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया इसे स्टॉप और चेंज कर दिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, हम देखेंगे वो क्या सरप्राइज़ है जिसको हम जिस सरप्राइज से हम बढ़िया तरीके से एकदम मस्त झकास तरीके से हम बताने वाले आपको। देखें अभी थोड़ी देर ये गेम को खाली, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस गेम को खाली रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को एक घंटा देना पड़ा है, क्योंकि पता है मैंने एक इंजन खाली भेज करके पूरे गेम में लाइंस और ट्रैक्स को सेट किया है ताकि ये इंजन डीले ना हो जाए इसकी फुल स्पीड को चेक करने का टाइम, क्योंकि बहुत तगड़ी लेवल पर ट्रैफिक होने वाली है इस पूरे गेम में। बहुत सारे ट्रेन्स देखने को मिलेंगे भाई, ये लेवल बहुत हार्ड है। और देखो आपका सरप्राइज, जी हाँ मैंने खरीद लिया है ये DLC फाइल LBH कोचेस। डाउनलोडेड और बताओ आपको देखना चाहते हो। ये जो है ना इसकी DLC फाइल एकदम वर्थ है भाई, मतलब भाई इस ट्रेन में इस गेम में भी पैसा दो पर से भाई इसकी DLC फाइल डाउनलोड करने के लिए पैसा दो, गलत बात है भाई। कोई आई होप कि इसका अपडेट बहुत जल्दी आए मस्त मिशन के साथ, मस्त मस्त चीज़ों के साथ, और फ्री में आए, ऐसा ना हो अपडेट आए तब भी पैसा नहीं। अभी थोड़ा ध्यान रखें, हम बढ़ गए हैं आगे। हमें जो है सेकंड वाले लाइन से हमें क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम क्रॉस कर सकते हैं। लाइन क्लियर है, आगे थोड़ा सा। बढ़िया जी। चलो अब हम रिवर्स ले लिए हैं और एकदम से फुल थ्रॉटल
गियर पर डाल दिया है हमने इंजन को, बहुत से सुंदर तरीके से रिवर्स हो रहा है हमारा ट्रेन, और किसी भी बिना किसी झंझट झमेले के हमारा ट्रेन आ रहा है। और ये लग गया नाइस। सो आप सारे बढ़ते हैं, गियर वन पे लग चुकी है ट्रेन और बढ़ते आगे। एक्चुअली मैं ये जो बहुत सारे लोगों का ये बोलना है ना कि यार ये 4K में रिकॉर्ड होती है पर 4K में होती नहीं है ये वो लाना फलाना ढिमकाना, पर भाई ये 4K में रिकॉर्ड हो रही है यार, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ। एक्चुअली में जो गेम की ग्राफिक्स है ना ये इतना ही मतलब अलाउ करता है एंड्रॉयड डिवाइस में। मैं iOS डिवाइस में लेकर खेलूँगा पर एंड्रॉयड डिवाइस में इसकी ग्राफिक्स इतनी ही है तो आपको 4K में इतनी ही दिखेगी, रिकॉर्ड 4K में ही हो रही है डोंट वरी। सो हमारी ट्रेन निकल चुकी है एकदम से और देख सकते हो कितनी सही लग रही है देखने में, बहुत सुंदर सी मस्त सी लग रही है देखने में और फुल थ्रॉटल कर दिया है बिना किसी टेंशन के। और हम देखेंगे कि कितनी स्पीड जा सकती है हमारी ट्रेन, ये मैं गेम खेल रहा हूँ रियल में GT मास्टर एडिशन में, पर फिर भी वही बात है अभी दूर दूर तक तो सिग्नल है एकदम से येलो एकदम बढ़िया एकदम लंबा सा हमारा इंजन है और प्रॉब्लम की बिना। चलो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे खड़े होकर के एक जगह कैमरा को ला करके, देखो कितना सही है, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर लाइंस है, रेड रेड आने वाला है पर कोई इशू नहीं है कुछ रेड नहीं। सब नॉर्मल है एकदम बढ़िया है। वाओ देखो कितनी स्पीड में जा रही है, 412 किलोमीटर पर आवर की है इसकी मैक्सिमम स्पीड, देखो पूरी पूरी मतलब देखो कितनी रियलिस्टिक से लग रही है देखने में। अभी तो रुको, अभी तो गंदी वाली ट्रैफिक आने वाली है, बहुत ट्रैफिक है इस ट्रेन ये लगे में, देखो दूसरी एक ट्रैफिक आ गई हमारे लिए, फिर से ट्रेन रुकी हुई है, सब हमारे लिए कर रहे हैं, क्लियर होने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे पूरा। ओ भाई व्हाट अ क्रॉसिंग, देख रहे हो क्या तगड़ी लग रही है, उखड़ के गिर ना जाए, इसमें बहुत सारे कर्व भी आएंगे हम तो देखेंगे। वो देखो हमारे साथ हमारे लिए ट्रेन खड़ी है वहाँ पे, वो कितनी सुंदर लग रही है वो ट्रेन, देखो हमारा ही वेट कर रही है एक्चुअली में, लाइन क्लियर होगा तो वो आगे बढ़ेगी।
भाई मेरे को आगे में पता है बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाला है, क्योंकि ये जो मैं खेल रहा हूँ ये हिली माउंटेन्स है और यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। तो देखते हैं, इतनी जो स्पीड में चल रही है ट्रेन, स्टडी 12.1 से 12 किलोमीटर की स्पीड में, तो ये क्या ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी यार? ये पता नहीं जीरो पे था अभी तक, रिवर्स पे था ये। अभी शायद से ना मैं जब हॉर्न बजा रहा हूँगा ना, तो शायद से घूम गया होगा ट्रेन शायद। देखते हैं, अब यहाँ पे वेट करते हैं ट्रेन का हमारा, और अभी पास होगी ट्रेन हमारी, देखो पास है। आगे में ना मतलब कि वो रेड है, पता नहीं सिग्नल से प्रॉब्लम है, सिग्नल पर जा रही है। पहले उससे भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चलो इसको रिवर्स में करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे आगे क्या प्रॉब्लम है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ तक तो ठीक है, हम इस लाइन में हैं, यहाँ पे हमें ऑन करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे एक ट्रेन है, क्या इसकी वजह से हो रही है क्या? ये ट्रेन चलने लगी पड़ी। इसकी वजह से यहाँ पे रेड सिग्नल है, तो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। देखो ये वाली सिग्नल में ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है यार। मतलब लाइन चेंज हो रही है ना, क्योंकि ड्राइव मोड ऑन कर दिया है मैंने एक्चुअली में, थोड़ा मतलब ड्राइव मोड ऑन कर दिया। जब आएगी वहाँ तक पहुँचेगी ट्रेन, देखो फर्स्ट सिग्नल का सेकंड सिग्नल के बाद ही प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये फर्स्ट सिग्नल येलो सिग्नल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे रेड सिग्नल है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कुछ तो। ये ठीक है, ये भी ये ठीक है, हाँ देखा सब सही हो गया। एक्चुअली में प्रॉब्लम वहीं पे आ रही थी, वही प्रॉब्लम नहीं, चलो प्रॉब्लम सही हो गया। अभी फिर दौड़ करते हैं अपने बजाते हैं। तो भाई क्या मैं बोलूँ, बताओ क्या करूँ मैं, ट्रैक समझना बहुत ज़रूरी है यार, ना बहुत दिक्कत है। और अभी 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 ना मतलब माउंटेन भी आ रहा है, मतलब चढ़ाव भी आ रहा है, तो आई थिंक कि चढ़ना पड़ेगा, तो उसमें शायद स्पीड कम हो सकती है। नहीं ओके, आई थिंक बहुत पावरफुल इंजन है, तो स्पीड कम होने का कोई चांसेस नहीं। स्टूडेंट के मतलब बराबर स्पीड में जा रहे हैं। एक्चुअली में हमेशा ऐसा होता है कि जो मतलब मेन मेन क्रॉसिंग होता है ना, मेन रेलवे क्रॉसिंग या मेन क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन क्रॉसिंग के टाइम ना हो जाता है थोड़ा दिक्कत, थोड़ी परेशानी हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परेशानी तो आती रहती है। अभी मज़े लो नज़ारे के, मस्त तरीके से एकदम वाह। वो
120 किलोमीटर की स्पीड स्पीड हमें अचीव करनी बहुत ज़रूरी है। अभी अब हो जाएगी क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन आ गई है। आगे स्टेशन आ रही है, ईस्ट ग्लेशियर स्टेशन आ रही है, तो ये स्टेशन पर हम रुकेंगे। टाइप से एकदम पार हो। वाओ देखो साइड में एक ट्रेन खड़ी है हमारे लिए, वेट कर रही होगी साइड से। ड्राइव मोड डाल दिया उससे मैंने, उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है यार, मस्त। देख रहे हो ये देखो पूरा एकदम जर्किंग्स, कितनी मस्त रोड मोड। देख रहे हो कितनी स्पीड में जा रही है यार, और देखो पीछे से देखो यार गजब मिल रही है भाई, डर 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 सा लग रहा है देखने में। एनवायरमेंट देखो क्या मस्त, कितनी स्पीड में जा रही है। और एक ये देखो यहाँ पे भी ट्रेन है, येलो वाली है, इंजन खड़ी है यहाँ पे ट्रेन, इधर भी ट्रेन है। कितनी ट्रैफिक है यार, ये सारे ट्रैफिक को पहले सही करो उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वाह देख रहे हो किस सांप जैसी आगे बढ़ रही है, वाह अमेजिंग। अभी एकदम ढलाव है, एकदम मतलब डाउन है एकदम, मतलब भाई क्या होने वाला देखते हैं। इसी इसी रूट में ना एक और मिशन करेंगे, फास्टेस्ट इंजन लगा करके ना, और फिर देखेंगे कि वो कितनी स्पीड में चल सकता है। एकदम लॉन्गेस्ट ट्रेन बनाएंगे, बहुत लंबी सी मालगाड़ी टाइप कुछ ट्रेन बनाएंगे, और उसमें पावरफुल इंजन लगाएंगे जो मैक्सिमम 160-170 किलोमीटर पर आवर में भाग सकती है। फिर देखते हैं कि कितना मतलब 220 किलोमीटर 410 किलोमीटर वाली स्पीड वाली इंजन को भी लगा के देखेंगे। यहाँ पे भी ट्रेन खड़ी है हमारे लिए, मूविंग एट स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है। बेसिकली WP5 की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स होती है, तो अगर आप इसको अपडेट कर पाए तो अच्छी होगी, क्योंकि इंडियन ट्रेन इतनी भी स्लो नहीं होती है। और ये है WP5, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए। अगर WP5 भी नहीं होता है, WP7 भी होता ना, तो भी इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होती, पर 130 किलोमीटर पर वो पर 16 बॉबीज को अपने साथ आन सकती है आराम से, नो प्रॉब्लम के साथ। और इसमें जो पावर लगी हुई है ये दो कितनी हिल रही है भाई, मतलब एकदम लग रहा है रियल लाइफ में ये स्टैंड के अंदर बैठा रहता ना पागल हो जाता हूँ। देख रहा हूँ स्पीड में जा रही कितनी भाई साहब, तगड़ा लग रहा है यार। देखो ये ट्रेन हमारे लिए खड़ी है, एक स्टेशन आ गया शायद से, यहाँ कितना सुंदर लग रहा है यार देखने में, बस देखते रहो। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बढ़िया है एकदम से, मतलब क्या ही बोले यार, तगड़ा लग रहा है। इसी में हम करेंगे एक मिशन, बहुत मज़ा आएगा यार उस मिशन में, और ज़्यादा मज़ा आएगा वो मिशन में। ये पता चलेगा कि मतलब सब कुछ समझ आएगा, हम बिल्कुल स्पीड में चला करके संगीत के साथ। हमें वो येलो वाली इंजन यूज़ करनी पड़ेगी, एक इंजन है वो बहुत पावरफुल इंजन है, या वरना हम ना
पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम येलो वाली इंजन को यूज़ करते हैं जो एकदम मतलब लोकोमोटिव वाली इंजन है, उसके बाद हम बुलेट वाले इंजन को भी यूज़ करेंगे। तो देखो एक और ट्रेन है, बुलेट वाले इंजन को भी यूज़ करके देखेंगे कि हो पाता है कि नहीं, मज़ा आएगा। सब चक्कर आ जाएगा, लग रहा है कि जॉय राइड मतलब होता है ना, रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं वैसे ज़्यादा वैसे फील से चाहते हो कि मैं पूरे मैप को कवर करूं, पूरे मैप को, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं करना चाहिए कि नहीं, और किसके साथ करना चाहिए, कौन से ट्रेन के साथ करना चाहिए, वही बताना। हम इस पूरे मैप को कवर करेंगे, बहुत बड़ा मैप है वैसे तो, देखो करेंगे कवर, अगर आप बोलोगे तो कवर 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 भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वीडियो में नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो अगर आप बोलोगे तो मैं एक और स्टेशन को भी, एक और स्टेशन में ही स्किप करूँगा, चलिए फिर स्पीड को बूस्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। आगे में भी रेड सिग्नल है और आगे में भी यही दिखा रहा है कि हमें स्टॉप करने की ज़रूरत है, तो यार छोड़ो क्या करना, जा कर है ना। चलो स्टॉप करते हैं ट्रेन को यहीं पे, अपने इंजन को आराम से अपने घर में लगा देंगे और मस्त सो जाएंगे हम। देखो नज़ारा देख लो एक लास्ट बार, सही है, बहुत मस्त नज़ारे साइड साइड के, बस हम पहुंचने ही वाले हैं अपना नेक्स्ट स्टेशन जो कि है लेक हैरिसन स्टेशन। ये गेम में इंडियन स्टेशन, इंडियन प्लेसेस को भी ऐड करना चाहिए यार, तब और मज़ा आ जाता गेम खेलने। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ये सब स्टेशन। चलो ये आप देख सकते हो आगे स्टेशन आने वाला है, आ रहा है मतलब, और धीरे से एकदम रोक देंगे ताकि हमारे पैसेंजर्स, सो कॉल्ड पैसेंजर्स को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और हम आराम से लोग उतार पाए। चलो अभी हम बहुत मजाक हो गया, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, देख रहे फट से आगे टान ले रहा है, बहुत बहुत पावर है इस ट्रेन की।
क्या करेंगे कि ओ जाम अलग करेंगे इंजन को बॉगी के साथ, पर हमें जाना है उस घर पे। एक्चुअली लाइन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। लाइन है इसको चेंज करना, सीधा मैं अभी इधर चल जाएगा। रुको 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 रुको, साइड कर दिया हमने और अपने बढ़ा दिया ट्रेन को, हमारी इंजन को बढ़ा दिया हमने, और ये जा रहा है अंदर। धीरे धीरे यार, और यहाँ लग गई हमारी ट्रेन। चलो गाइस, बाय, सी यू सून, टाटा।